Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series. And here is the book Science Spark. Today we are going to start chapter number 5 and the name is Solid, Liquid and Gases. So yes, we are going to learn about the different states. So what all we are going to cover in this chapter? We are going to learn about solids, liquids, gases and change of state. How their states change. Next, let's move on to the warming up exercise. Write the first letter of the item in each picture to show which word is formed. So, jitne bhi yahan pe picture dikh rahe hai, sabka first letter aapko likhna hai. So, pehla aata hai P, E, P for parrot, E for elephant, N for nest, C for cat, I for ice cream and L for lion. So what is the word? It is pencil. So similarly children, aapko kya karna hai? In sabko fill karna hai as we have done the first one. Pencils and erasers are solid. So jo pencil hote hain, eraser hote hain, inhe hum kya kehte hain? Inhe hum solid kehte hain. Water and milk are liquid. Water और milk जो चीज़ें बह सकती हैं आप उसे glass से गिराओ और वो बहने लगे फर्श पे, ऐसे चीज़ों को हम liquid कहते हैं. Air and steam are gases. और air और steam जो है उन्हें gases कहा गया है. In nature all things are either solid, liquid or gases. Nature में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो solid हैं या फिर liquid हैं या फिर वो gases हैं. Let's learn about solids. So solids have a fixed shape. जो solids है उनका shape fixed रहता है, वो change नहीं होता है. The shape of a solid does not change even if you press it hard or move it from one place to another. तो जो solid होता है अगर आप उसे जोर से दबाएंगे तब भी उसका shape नहीं change होगा. For example मेरे पास है pen, मैं इसे कितनी भी ताकत लगा के दबाऊँ इसका shape change नहीं होगा. या तो इसे अगर मैं इधर से उधर मूव करूं तो भी इसका शेप चेंज नहीं होगा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर रॉक, वुड, स्टील, प्लास्टिक एंड आयरन. एंड यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे, जैसे यूटेंसिल्स बर्तन हो गए, टॉय हो गया, व्हीकल हो गया और ब्रिक. द शेप ऑफ द रॉक डज नॉट चेंज इवन इफ यू प्रेस इट हार्ड. जो रॉक है, जो पत्थर है, यहाँ पे हाथ में अगर आप कितनी भी मेहनत लगा लो उसका शेप चेंज नहीं होगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर सॉलिड. नेक्स्ट कम्स लिक्विड. सो लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप. लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. इट कैन फ्लो, वो आसानी से कहीं भी बह सकता है, जा सकता है. यू नीड अ कंटेनर टू होल्ड अ लिक्विड. अगर आपको लिक्विड को पकड़ना है तो आपको क्या चाहिए? एक कंटेनर चाहिए, एक बर्तन चाहिए होगा. If you keep water in a glass, अगर आपने एक glass में पानी रखा है, it will take the shape of the glass. तो वो liquid क्या होगा? उस glass का shape ले लेगा. If you pour it into a bottle, अगर आपने उस liquid को bottle में डाला, तो वो bottle का shape ले लेगा. Liquid takes shape of the container in which you keep them. तो जिस भी बर्तन में आप उस एक glass पानी को रखोगे, वो पानी उस बर्तन का शेप ले लेगा. थाली में रखोगे तो थाली का शेप, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का शेप. सम एग्जाम्पल्स आर लिक्विड ऑफ लिक्विड्स आर ऑयल एंड फ्रूट जूस. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑयल या फिर फ्रूट जूस. ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? लिक्विड के. लिक्विड टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर दे आर पोर्ड इन. जिस बर्तन में डाला, जैसे यहाँ जग में डाला तो जग का शेप, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप. नेक्स्ट कम्स गैसेस. गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. गैसेस का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता. लाइक लिक्विड गैसेस ऑल्सो फ्लो. लिक्विड की तरह गैसेस भी फ्लो करते हैं. हाउएवर यू कैन नॉट कीप द गैसेस इन ओपन कंटेनर. लेकिन भले ही ये फ्लो करती हैं, आप इसे खुले बर्तन में नहीं रख सकते. दे स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल. जहाँ कहीं भी इसे स्पेस दिखेगा वहीं वो फैल जाएगा. गैसेस कैन बी केप्ट ओनली इन क्लोज कंटेनर. गैसेस को हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही रखा जा सकता है.
गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. गैसेस क्या करते हैं, जितना भी स्पेस रहता है उस पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. नाउ हियर इज एन एक्टिविटी वी हैव टू डू दैट. टेक सम वाटर इन अ ग्लास. हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा पानी लेना है ग्लास में. यू विल सी दैट वाटर हैज टेकन द शेप ऑफ द ग्लास. अब हमें दिख रहा है कि वाटर ने ग्लास का शेप ले लिया है. पोर द वाटर इन अ बाउल. अब उस पानी को आप बाउल में डाल दो. नाउ द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बाउल. अब जो वाटर है वही ग्लास का पानी जो है वो उस बाउल का शेप ले लेगा. इफ यू पोर द सेम वाटर इन अ सॉसर द वाटर विल टेक द शेप ऑफ द सॉसर. सो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. दिस इज द एक्टिविटी. Now, children, air is a mixture of gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen. आपको पता है कि जो air है, जो हवा है, उसमें बहुत सारी gases मिली हुई हैं. कौन कौन सी gases मिली हैं? सबसे ज़्यादा है oxygen, carbon dioxide और nitrogen. ये तीनों gases सबसे ज़्यादा amount में होती हैं. Animal and human being inhale oxygen and breathe out कार्बन डाइऑक्साइड. जो एनिमल्स होते हैं या जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, मीन सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू ब्रीद. अब प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो ले लेते हैं और उससे वो अपना खाना बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. We cannot see gases. Gases को हम नहीं देख सकते. Like liquids, gases can also flow and they do not have a fixed shape. तो जैसे कि liquids होते हैं वैसे ही gases भी flow कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई particular shape नहीं होता. They take the shape of the container. ये क्या करते हैं, ये जिस भी container में डालो उसका shape ले लेते हैं. सो वी ब्रीद इन एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. हम एयर को ब्रीद इन करते हैं जो बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर होता है. नाउ चिल्ड्रन डू यू नो दैट मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड आयरन आर हीटेड इन अ हॉट फर्नेस. क्या आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है या फिर आयरन होता है, इसे बड़े बड़े हॉट मीन्स गर्म फर्नेस में गर्म किया जाता है एंड टर्न इन टू लिक्विड और इसका लिक्विड बनाया जाता है. दिस लिक्विड इज देन poured into molds and cooled. फिर इस लिक्विड को जो है मोल्ड्स में डाल के ठंडा किया जाता है. Then we get different shapes of metal. और उसके बाद ये जो मेटल्स हैं उनका अलग अलग shapes शेप हमें मिलता है. Now let's move on to test your skills. Circle the correct answer. So solid two do not change their shape. Solid जो है अपना shape नहीं चेंज करते, स्मेल चेंज नहीं करते या कलर चेंज नहीं करते. तो क्या चेंज नहीं करते, दे डू नॉट चेंज देयर शेप. मिल्क वुड स्टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, वुड. वाटर जूस एंड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. सो रेस्ट टू चिल्ड्रेन, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. Now children, let's learn about the change of state. Change of state के बारे में पढ़ेंगे. Water freezes to form ice. Water क्या हो जाता है, वो जम के ice बन जाता है. Ice melts to form water. अब ice को अगर पिघला दें तो वो फिर से water बन जाता है. If you hold a lid or a plate above boiling water, अगर उबलते हुए पानी के ऊपर आपने एक प्लेट या फिर लिड रखा तो क्या होगा, जो भाप निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है, जैसे ही वो टच करता है लेड को, द स्टीम देन कूल्स डाउन एंड चेंज इन टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अब ये स्टीम जो है उस लेड को टच करते ही ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो भाप का पानी बन जाना उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर. ये जो स्टीम है ये कंडेंस होके पानी बन जाता है. द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये जो थ्री फॉर्म्स हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस जिसे कहते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं. तो क्या है ये फॉर्म्स, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज मेल्टिंग. सो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है चेंज होके लिक्विड बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग.
The process in which a liquid changes into gas on heating is called evaporation. वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड को गर्म करने पे वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, भाप बन जाता है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. तो आप देख सकते हो चेंजेस, चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर क्या है. पहले जो है आइस है जो कि एक सॉलिड है, अब इसे जो है हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये पिघल रहा है, पिघल के ये पानी बन गया. और अब इस पानी को वापस से हमने ठंडा किया तो ये फिर से आइस क्यूब बन जाएगा. सो नाउ अब अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो पानी है जिसे हमने आइस से पानी में कन्वर्ट किया था, इस पानी को दोबारा हम अगर गर्म करते हैं जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, तो इवेपोरेशन से क्या होगा, ये भाप बन जाएगा. अब इस भाप को हम ठंडा करेंगे तो ये कंडेंसेशन कहलाता है एंड ये कंडेंस होके पानी बनेगा. और फिर ये पानी जो है ठंडा करने पे मींस फ्रीज करने पे ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो फर्स्ट इज ऑन हीटिंग आइस फॉर्म्स वाटर एंड वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स गैस. अब गैस को व्हेन वी कूल डाउन इट फॉर्म्स वाटर एंड व्हेन वाटर इज कूल डाउन और फ्रीज इट फॉर्म्स आइस अगेन. सो दिस इज द चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर. The process in which a gas changes into liquid, वो process जिसमें गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है on cooling is called condensation. इसे condensation कहते हैं. And the process in which the liquid changes into solid, जिसमें liquid जो solid बन जाता है उसे हम कहते हैं freezing. So now children, let's move on to flashback. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. Solids have a definite shape of their own. Liquids do not have any shape of their own. And they take the shape of the container, they flow easily. Gases do not have a shape or size of their own, they can flow easily. Oxygen, water vapor are two examples of gases. The three forms of water can change from one form to another. Now, let's move on to new words. So here the first word is solid. So solid kya hai? A thing that has a definite shape or size. Liquid is a thing that takes the shape of its container, and gas is anything that has no shape or size of its own. Melting kya hai? The process in which solid changes into liquid on heating. Evaporation is the process in which liquid changes into gas on heating. And condensation is a process in which gas changes into liquid on cooling. So these are the new words that we have learned in this chapter, children. Now let's move on to book exercise. A exercise is tick the correct option. So here the first one is, which of the following is not a state of matter? Inme se kaun sa ek state nahi hai matter ka? Solid, liquid, shadow or gas? So the correct answer is shadow. दीपा हीटेड वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. काफ़ी देर तक उसने पानी को गर्म किया. शी सॉ द गैस राइजिंग अप. द प्रोसेस इज फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और इवेपोरेशन. सो इट इज इवेपोरेशन. सो लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस एज ए होमवर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर और स्पेस. सो इट इज मैटर. Liquid takes the shape of the liquid. किसका shape लेता है? Container or space they are kept in. So it takes the shape of the container. Gases fill all the available matter or space. So it fills all the available space. So like this, children, do the rest two questions yourself. Now let's move on to match the following question, which is C part of your exercise. Next, here you can see there are two columns, column A and column B. So children, here the first one is ice. Ice is the solid form of water. Water ka solid form ice kehlata hai. Next is pencil. Pencil is a solid. Milk kya hai? It is a liquid. Similarly, children, you have to do the rest to yourself. Now let's move on to D exercise, which is write one word for the following. So substances that have fixed shape and do not flow are called solid.
द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर, वो तरीका जिससे वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो चिल्ड्रेन लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू ई पार्ट विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Here the first question is name the three forms of water in which water exists. So water exists in solid, liquid and gas. These are the three forms. Now the next question is what is solid? Give two examples. What are liquid? Give two examples. What are gases? Give two examples. So these three you have to do yourself. Describe how water changes its form, solid to liquid and from liquid to gas. So we have learned the process, children. Do it yourself. Now we have completed the chapter, children. I hope it's clear. You are clear about what are solids, liquids and gases. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.